नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉकिंग नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो स्टॉक बताने वाला हूं जिनमें आपको कल यानी ट्यूसडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो बने रहे आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, जहां मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश के लेवल होते हैं, कोई फ्यूचर का लेवल नहीं होता है। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश का चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूं, मेरे में आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, या आप चाहें तो आप अपने पेपर टेक्निक देख करके धीरे धीरे सीख सकते हैं और सीख के कैसे ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लास्ट वीडियो जो दो स्टॉक दिए थे आज मंडे के लिए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों की बात करें, पहला स्टॉक मैंने आपको पहला स्टॉक दिया था यूबीएल का। देखिए यूबीएल मैंने आपको बाय दिया था 1035 के ऊपर, तो मैंने टाइम फ्रेम को कर दिया यहाँ पर 5 मिनट का, ताकि आप इसको अच्छे से देख समय और समझ सके। यहाँ पर 9:15 की पहली कैंडल इसने ओपन किया 1033 पर, यहीं पर आगे जाकर हमारी बाय कॉल एक्टिवेट हुई। इसने हाई लगाया 1044 का, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था 1043 का, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। उससे भी स्टॉक 1 से 1.5 पॉइंट और ऊपर गया, तो यहाँ पर आप आसानी से अपना फर्स्ट टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर बात करूँ सेल साइड, मैंने आपको सेल दिया था 1025 के नीचे। यहाँ पर इस तीसरी कैंडल में 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पर हमारी सेल को एक्टिवेट हुई, यहाँ पर 1025 के नीचे। इसमें आप देख सकते हैं कॉल एक्टिवेट होने के बाद स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ पर इसने लो लगाया 1007 का, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था 1009 का, उसको भी इसने यहीं पर हिट कर दिया। हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया था, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता और यहाँ पर इसने लो लगाया 1003 का। हमारे इसमें तीसरा अंतिम टारगेट था 1001 का, इसने हमारे तीसरे टारगेट को हिट नहीं किया, सिर्फ 2 पॉइंट इसने हमारे तीसरे टारगेट को मिस किया। तो मैं कहता हूँ आपको यूबीएल में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला हो, क्योंकि इसमें हमारा बाई और सेल साइड दोनों साइड में बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे दूसरे स्टॉक में, आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था सीएट का, देखिए सीएट को आपको बाय दिया था 898 के ऊपर। यहाँ पर 9:15 की पहली कैंडल, टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक ने ओपन किया 895 पर, यहाँ पर हमारे आगे जाकर हमारी बाय को एक्टिवेट हुई। इसने हाई लगाया 907 का, इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 906 का, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट किया, उससे भी स्टॉक 2 पॉइंट और ऊपर गया। तो यहाँ पर आप हमारा फर्स्ट टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर बात करूँ सेल साइड, मैंने आपको सेल दिया था 889 के नीचे। यहाँ पर हमारी सेल को एक्टिवेट हुई इस कैंडल में, 12 कैंडल में, और स्टॉक ने लो लगाया 881 का, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो यहाँ पर भी हमारा सेल साइड में भी हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, तो हमारा बाई साइड और सेल साइड दोनों साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। तो मित्र तो आपको दोनों स्टॉक में इसके अच्छी प्रॉफिट देखने को मिला होगा, आपको इसकी मूवमेंट जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए देखते हैं जो दो स्टॉक हमारे कल के लिए हैं वो कौन से हैं। दोस्तों कल ट्यूजडे के लिए हमारा पहला स्टॉक हिंदू यूनिलीवर का। देखिए हिंदू यूनिलीवर स्टॉक लगातार 2-3 दिनों से बुलिश ट्रेंड में है। आज यहाँ पर स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाकर बिल्कुल टॉप पर ही क्लोजिंग दी हुई। तो अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है, अपसाइड में निकलता है, तो इसको हम बाय करेंगे 2275 के ऊपर। स्टॉक लॉस रहेगा हमारा 2265 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2285, सेकंड टारगेट 2295, अंतिम टारगेट रहेगा 2305 का। अगर हिंदू यूनिलीवर नीचे को निकलता है, तो उसको सेल करेंगे 2260 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2270 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2250, सेकंड टारगेट 2240, अंतिम टारगेट रहेगा 2230 का। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का लिंक। वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप स्टॉक रेंज एंड ब्रोकिंग, दोनों अच्छे ब्रोकर हैं, दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं। आप दोनों में से किसी भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन ब्रोकर हैं, आपको इनके बारे में अधिक जानकारी गूगल पर मिल जाएगी। हमारा अंतिम स्टॉक है बाटा इंडिया का। देखिए बाटा इंडिया एक छोटा सा डाउन फ्लैग पैटर्न बनाया है, अगर अपने सेंस से बाहर निकलता है, अपसाइड में निकलता है, तो हम बाई करेंगे 1258 के ऊपर। स्टॉप लॉस है हमारा 1248 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1268, सेकंड टारगेट 1278, अंतिम टारगेट रहेगा 1288 का। अगर बाटा इंडिया नीचे को निकलता है, तो हम सेल करेंगे 1246 के नीचे। स्टॉप लॉस है हमारा 1256 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1236, सेकंड टारगेट 1226, अंतिम टारगेट रहेगा 1216 का। तो बस दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे, ऐसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।